अच्छा चार पाठ एक वंदना। जगजीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जो हो मानव के हित समान। मान के हे ईश्वर, मैं आपसे ऐसी शक्ति मांगता हूँ जो जगजीवन में चिर महान, चिर में सदैव रहने वाला, यानी जो सदैव रहने वाला हो, सौंदर्य पूर्ण हो, सत्य प्राण, और क्या हो, सौंदर्य पूर्ण हो और सत्य प्राण हो, चिर महान हो। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जो हो मानव के हित समान, यानी कि जो मानव का हित करने वाला हो, मैं उसका प्रेमी बनू, उसकी सेवा करूं, और जो सत्य बोलता हो, सौंदर्य पूर्ण हो, चिर महान, और जो सदैव महान रहने वाला हो, ऐसे कौन ईश्वर में ही होते हैं, या फिर समाज सेवी हो, जो सबका भला चाहने वाला हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, यानी कि ऐसे कर्मों से हमें शक्ति मिले, छूटे भय संशय अंधभक्ति, और जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में शक्ति मिले, छूटे भय, यानी कि भय डर छूट जाए, संशय संदेह छूट जाए, अंधभक्ति अंधविश्वास, किसी में बिना सोचे समझे विश्वास करना, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, यानी कि जिसमें संपूर्ण व्यक्ति, यानी संपूर्ण संसार मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, प्रेम भावना से सभी एकजुट हो जाए, पाकर प्रभु तुम से अमर दान, करने मानव का पर त्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। यानी कि हम संसार में, ये कविता जो है लेखक सुमित्रा नंदन पत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं, यानी हे ईश्वर, जो आज असत्य अधर्म लोभ जो फैला हुआ है, उसका सभी का परित्याग करते हुए सभी में एकजुट प्रेम सद्भावना फैल जाए, सभी लोग स्नेह से रहें,